हंगामा हुआ है और कुछ संजय चोपड़ा नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इनका घेराव भी किया गया है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, घेराव हमारा किसी संजय चोपड़ा का नहीं है, हम जानते भी नहीं संजय चोपड़ा है कौन, परंतु ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे वेंडर्स का शोषण करने में लगा हुआ है, उसका हमारा विरोध है। सरकार ने टाउन कमेटी में वेंडिंग जोन निर्धारित किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वेंडिंग जोन वेंडर्स के व्यवस्था के लिए होने हैं, उनके उत्पीड़न के लिए नहीं। आज जो 1,20,000 का ये खोखा ज़बरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है, वो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हम उसके घोर विरोध में हैं और इस विरोध का अगर हमें संघर्ष भी करना पड़ा तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, क्योंकि खोखा 40-45 हज़ार रुपये में बन सकता है, तो 1,20,000 का क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। और क्या कारण है कि जो व्यक्ति संजय चोपड़ा अपने आप को हमारा नेता बताता है और अधिकारियों के कमरे में आके बैठता है, क्यों? अगर वो हमारा नेता है तो हमारे बीच में रहे ना, अधिकारियों के कमरे में क्यों बैठ के बात कर रहा है? बिल्कुल होगी, अगर हमारा नेता उनके पास बैठा है तो मिली भगत के लिए बैठा हुआ होगा ना। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि अगर वो हमारा नेता और हम 20 दिन से परेशान सड़कों पर घूम रहे हैं, वो हमारे बीच क्यों नहीं आया?